बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में तूल पकड़ लिया है, जिससे समूचे देश में वाल्मीकि समाज के साथ साथ युवाओं में घटना को लेकर आक्रोश है। इसका असर सागर में भी देखने मिल रहा है, जहां पीड़िता मृतिका की आत्मा की शांति के लिए युवा कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से मामले में आरोपियों को फांसी की सजा की मांग उठा रहे हैं। वहीं वाल्मीकि समाज के सफाई कामगार भी पीड़ित मृतिका को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एक दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। सफाई कामगारों के कहना है कि अकेले हाथरस में नहीं बल्कि समूचे देश में महिलाओं की अस्मत खतरे में है, इसीलिए इस मामले के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, ताकि आगे से कोई भी दरिंदा इस तरह की हरकत करने से कतराए। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस गैंगरेप को दबाने का प्रयास कर रही है, इसलिए उन पुलिस अधिकारियों पर भी कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। गौरतलब है कि पिछले बीते दिनों हाथरस में जो घटना घटी वह दिल दहला देने वाली थी। इस तरह की घटनाएं आगे सामने ना आए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को आगे आना चाहिए और मामले के आरोपियों को कठोर सजा दिलानी चाहिए, ताकि इस तरह के जघन्य अपराध आगे से कभी सामने ना आए। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। हाथरस ग्राम में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो रेप हुआ, उसके बाद उनकी हत्या कर दी, पेड़ की हड्डी तोड़ दी, दवाड़ काट दी, उसके विरोध में हम लोग आज समाज वाल्मीकि समाज ने सफाई काम बंद कर के आंदोलन किया है कि अगर एक महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा कर हमारी बहन को न्याय नहीं दिया गया तो उसके विरोध में अभी तो सिर्फ एक दिन काम बंद किया, अगर एक महीने के अंदर नहीं किया गया तो हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन के लिए सफाई काम बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से लचीलापन दिखा रही है, आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, तो इनसे अनुरोध करते हैं, विनम्र अनुरोध करते हैं, पहले तो हाथ जोड़कर, अगर आप हमारी बहन के लिए न्याय नहीं देंगे, आरोपियों को फांसी नहीं देंगे और जो आप स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठा रहे, अगर वो नहीं उठाए तो आपके खिलाफ भी एक विशाल आंदोलन होगा जो पूरे भारत की सड़कों पर आम हो जाएगा। योगी जी अभी भी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। आज जो रात में 3 बजे बच्ची का दस संस्कार करते हुए परिवार के न रहते हुए बैरिकेड लगा के उनको अंदर कर दिया है, ये भी सवाल ही निशान खड़ा करता है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, किन के निर्देश अनुसार ये चीज हो रही है, ये बहुत ही संदिग्ध है। उनकी जल्दी जानकारी होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जैसा भाई ने बोला वैसा जल्दी हो, पूरी वाल्मीकि समाज पूरा जितना भी है वो रोड पर उतरेगा और अगर हो सका तो पूरी समर्थ के लिए अपनी बात संक्षिप्त में सभी के समक्ष रखें। आज यहाँ उपस्थित सम्मानीय वरिष्ठ जन, सभी सम्मानीय साथी एवं मेरी महिलाएं सक्तियां, आज ये बड़ी दुखद घटना है कि उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में जो हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ घोर अन्याय हुआ है, ऐसे दरिंदों को जिस प्रकार वो इनकाउंटर किया गया था, मैं तो अपील करता हूँ इस प्रशासन से उसी प्रकार इनका भी इनकाउंटर किया जाए, जिससे कि उसे न्याय मिल सके और उनके परिवार को जो कि हम लोगों ने ज्ञापन दिया उसमें भी उस खोला है कि उस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की जाए और उस परिवार के एक सदस्य को एक नौकरी भी दी जाए। बालियों को योगेशनाथ जी महाराज जी को नमन करते हुए अपनी बाली को विराम देता हूँ। साथियों अब मैं हमें काउंटर किया था इस तरह इस बेटी के हत्यारों को इनकाउंटर किया है, मैं कम शब्दों में बोलूंगा, मुझे बड़ा हताशा हो रहा हूँ, मुझे घबराहट सी हो रही है, ऐसी 18-19 साल की बेटी की हत्या कर रहे हैं ये जालिम लोग, ये जालिम कफर काफर लोगों को मैं जान से मार सकता हूँ अगर मेरे सामने आए तो। मैं आप सब से निवेदन करता हूँ, कल 2 तारीख को जिनके तहत संविधान चल रहा है और मेरी बेटी मनीषा की हत्या हुई है, मैं प्रशासन से कहता हूँ धन्यवाद कुलदीप भाई और मैं